हाँ हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रियलिस्ट। तो आज है यार बेसिकली हम लोग का 85 डे, जहाँ पे हम लोग सिंपली जो हम लोगों ने फुटर कंपोनेंट बनाया था उसको हम लोग लगाने वाले हैं अपने अबाउट पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं एवरियक का प्लेज जो है वो वीएस कोड के अंदर ओपन करूँगा। बट उससे पहले आप लोग क्या करना कि जो चैनल है उस पर जाके आप लोग हरे प्रिय को फॉलो कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से देख पाओ, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ आए। तो मैंने जो यहाँ पे फुटर कंपोनेंट बनाया था, कौन सा फुटर कंपोनेंट, ये नेबर कंपोनेंट है, ये जो फुटर कंपोनेंट है मैंने जो यहाँ पे बनाया है उस कंपोनेंट को मैं यूज करना चाहता हूँ अबाउट पेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अबाउट पेज के अंदर, मैं यहाँ पे सिर्फ फुटर कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा, एंड फुटर कंपोनेंट लगाने के बाद मेरा यहाँ पे अबाउट पेज हो जाएगा कंप्लीट। एंड यस, इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वेब पेज के अंदर। फिर यहाँ पे हम लोग फुटर कंपोनेंट को लगा दिया, एंड फुटर कंपोनेंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा चलाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपली क्लियर कर दूंगा पहले, उसके बाद npm रन। सर्वर करने के बाद अपना जो रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर उस पर मैं ओपन करूंगा, एंड उसी के साथ मैं सिंपली यहाँ पे इसको ओपन करूंगा अपने वीएस कोड के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड अपने ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अपन देख सकते हो यार, ये तो हम लोग का होम पेज है। हम लोग अबाउट पेज पे जाएंगे, अबाउट पेज पे जाने के साथ हम लोग का यहाँ पे जो ये वाला पेज है वो यहाँ पे आ गया है। अब जो कुछ चेंजेस हम लोग को यहाँ पे करने हैं वो ये करना है कि सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, एंड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्लास लिखूंगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे एक क्लास प्रॉप्स पास करूंगा। मैं लिख दूंगा कलर, या रख दूंगा यूजर कलर इज इक्वल टू, और मैं रख दूंगा यूजर कलर मैं रखना चाहता हूँ ब्लैक। ठीक है, उसके साथ बट मैं अगर ये करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरा ये वाला जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ना वो भी हो जाएगा चेंज। मैंने जो यहाँ पे बनाया है तो यहाँ वाला फुटर भी चेंज हो जाएगा, बट यहाँ का फुटर मुझे चेंज नहीं करना। मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ वाला फुटर का कंपोनेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो। तो वो करने के लिए मैं डायरेक्ट यहीं पे क्लास ये लगा देता हूँ स्टाइल, यहीं पे मैं बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर का सजेशन नहीं आ रहा है। मैं तो यहाँ पे मुझे लगता है अबाउट पेज के लिए भी मुझे यहाँ पे एक स्टाइलिंग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अबाउट पेज के लिए भी एक स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल्स के अंदर भी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा न्यू फाइल अबाउट डॉट सी एस एस। ठीक है, एंड अबाउट डॉट सी एस एस करने के बाद यहाँ पर मैं जो अबाउट पेज है उसको यहाँ पर ओपन करूँगा, एंड अबाउट डॉट सी एस एस मेरा यहाँ होगा। बट उससे पहले मुझे इम्पोर्ट करना होगा, मैं इम्पोर्ट करूँगा सिंपली स्टाइल्स को मुझे इम्पोर्ट करना है। तो मैं डॉट डॉट स्लैश स्टाइल्स के अंदर, स्टाइल्स के अंदर अबाउट डॉट सी एस एस, एंड ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ जो मेरा फुटर कंपोनेंट है मैं अब उसको ओपन करूँगा। जो मेरा फुटर कंपोनेंट है वो मैं उठा के चेक कर दूंगा, एंड फुटर कंपोनेंट में मेरा जो मेन जो मेरा ये है डॉट अंडरस्कोर फुटर, इसको मुझे यूज करना पड़ेगा अभी। तो मैं कहूँगा जो डॉट एम एन अंडरस्कोर फुटर है इसको करो कॉपी, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, एंड उससे पहले मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है डॉट कंट्रोल प्लस बी
बैकग्राउंड कलर में रखना चाहता हूँ, वो रखना चाहता हूँ ब्लैक। तो यहाँ पे क्या मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, यहाँ पे तो चेंज हो गया बट क्या होम पेज में भी चेंज हो गया? यस, ये बैकग्राउंड कलर जो है वो होम पेज भी मेरा चेंज हो गया है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको सिर्फ यहाँ ही चेंज करना चाहता हूँ। तो इसमें मुझे लगता है प्रॉप्स ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर तो ऐसे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये भी जो है वो भी मेरा वर्किंग नहीं है। तो मैं इस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, मुझे ये हटाना है, ये तो कोई काम का नहीं है अभी। एंड यहाँ पर मैं अबाउट का जो ये बनाया हूँ वो भी डिलीट कर दूंगा। एंड इसी के साथ मैं कंपोनेंट को ओपन करूँगा, और यहाँ पर मैं जो मेरा फुटर है यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। मैं कहूँगा देखो भाई यहाँ पे क्या है, मेरा एक प्रॉप्स आने वाला है कलर नेम का, यूजर कलर। एंड यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल स्कोर, स्टाइल इज इक्वल टू जो है इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर है उसको बराबर कर देना है, गोला लगा दूंगा मैं यूजर कलर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर कलर पास करूंगा एंड बैकग्राउंड कलर वो यहाँ पे आके यूज हो जाएगा। तो अबाउट पेज में मैं जाकर देखता हूँ, मैं अबाउट पेज फुटर पे जाऊंगा एंड मैं यूजर कलर को कुछ मैं पास कर दूंगा। ब्लैक, तो यहाँ पे मेरे को यूजर कलर ब्लैक मैंने जैसे पास किया तो यहाँ पे तो आ रहा है, बट यहाँ का क्या हालत है भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इस तरीके से यार हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखा मैं प्रॉप पास के यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसका कलर ही यहाँ पे वो कर दिया, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मैं सिंपली ये चीज़ मैं वहाँ भी करना चाहता हूँ तो मैं यूजर कलर को पास कर सकता था, जैसे कि मेरा जो अबाउट पेज है, ठीक है, मान लो मेरा कंपोनेंट वाला है, मैं इसको बंद करूँगा एंड ये मेरा होम पेज है, मैं होम पेज पे जाऊँगा एंड होम पेज पे मैंने जहाँ पे फुटर लिखा है वहाँ पे यूजर कलर पास कर सकता हूँ। मैं वहाँ पे लिख दूंगा कि यूजर कलर जो होगा और वो कलर मैं निकालूंगा यहाँ से फुटर डॉट सी एस एस है, स्टाइल्स के अंदर जाऊँगा फुटर डॉट सी एस एस, फुटर डॉट सी एस एस एंड फुटर डॉट सी एस एस बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और इसको कॉपी करने के बाद अबाउट पेज के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, होम पेज के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, देन मैं रिलोड मारूंगा, कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं जो चाहता था वो मेरे को यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे मुझे ब्लैक चाहिए था, मैं इसको ब्लैक कर दिया हूँ। अगर मुझे यहाँ पे सिंपली कोई दूसरा कलर चाहिए, अगर मैं फोटो डॉट सी एस एस पे आऊँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्राउन कलर को मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूँ एंड ब्लैक करने के बाद यहाँ का थोड़ा सा इसको लाइट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा और लाइट, देन ये कुछ ये फील होता है, ये RGB वैल्यू मैं उठा के मैं अबाउट पेज पे जाके रख दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का चाहिए। बट ये कुछ ज़्यादा हो गया है यार, ये कुछ ज़्यादा हो गया, ब्लैक के साथ इतना मैच नहीं कर रहा ये, तो फिर से एक ट्राई और किया जाए। ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, सैचुरेशन पूरा करना, ठीक है, ये करके देखते हैं। अबाउट पेज पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पेस्ट कर दो, तो इस बार कुछ ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा चेंजेस चाहिए था यार, ये भी मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो हम करते हैं बस फिर से ट्राई करते हैं। बहुत बहुत कम चेंज चाहिए भाई, बहुत कम चेंज, बहुत कम चेंज।
हाँ यार, अब थोड़ा सही लग रहा है, अब मेरे को थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया अबाउट पेज का फुटर, एंड ये मेरा है यहाँ पर होम पेज, जो कि देखने में मस्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अबाउट पेज भी होता है कंप्लीट। अगले वीडियो से हम लोग जाएंगे अब सर्विसेज पेज पे। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और अपना ख्याल रखना, और जो रिएक का जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग फॉलो कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए ना। आप लोग उसको अच्छे से, जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसको आप लोग भी अपना अपने मनपसंद का जो प्रोजेक्ट बनाते हो तो बना पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।